नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसमें हमारे कई व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ जो आया था तो उस शेयर के बारे में बताइए, क्योंकि यह जो आईपीओ पे लिस्ट हुआ था वहां से लगातार प्राइस नीचे ही जा रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं हमने इसका चार्ट लगाया हुआ है और चार्ट पे इसका जो ट्रेंड है देखते हैं लगातार ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका डाउन ट्रेंड है। अभी तो इसमें 50 डे का मूविंग एवरेज है, उसके भी नीचे चल रहा है। 200 डे का मूविंग एवरेज इसमें काम करेगा नहीं, क्योंकि स्टॉक का लिस्टिंग ही काफ़ी मतलब बहुत जल्द ही लिस्ट हुआ है। इधर ही कुछ महीना पहले स्टॉक का लिस्टिंग हुआ है, तो यहाँ पर 200 डे का मूविंग एवरेज जो है वो काम नहीं करेगा। और यहाँ पर देखते हैं ये बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, काफ़ी मतलब वोलेटाइल स्टॉक है। 3 आवर के चार्ट पर हम देख रहे हैं और स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्रेकआउट देने का ऊपर कोशिश किया लेकिन ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सका और फिर से ये डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक आ गया। और यहाँ पर लगातार ये सपोर्ट ले रहा है, देखते हैं स्टॉक 300 और 310, मतलब जो एक रेंज होता है उस रेंज में स्टॉक सपोर्ट लेता है, एक रेंज होता है वो स्टॉक का रेसिस्टेंस होता है। तो इसका जो रेंज है वो है 315 रुपीज़ से 300 रुपीज़, इसका स्टॉक का सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन को का वेट कीजिए, अगर नीचे ब्रेक करता है तो इसमें एक गिरावट देखने आपको मिलेगा, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, तो आपको फिर एक ऊपर की ओर मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का वेट कीजिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े SIP मोड में लेते रहिए स्टॉक। पहले इसका कंपनी के फंडामेंटल्स को जान लीजिए। चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स को जाने, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम कंपनी में पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे। जब कंपनी फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करता है तो हम उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और उसमें भी स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है, जब तक हमें ये पॉजिटिव साइन नहीं देता ऊपर जाने का तब तक हम इसमें इन्वेस्ट करने से काफी दूर रहेंगे। तो दोस्तों जैसे हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी करंट जो प्राइस है 313 रुपीज़ है। इसका जो मार्केट कैप है 4600 करोड़ है, बुक वैल्यू 17 का है और यहाँ पर पी जो है 25 का। ज्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है क्योंकि न्यू कंपनी है, न्यू लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स में चलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में आप डिविडेंड बोनस स्प्लिट देखते हैं, ये सब कुछ अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है क्योंकि नया लिस्टिंग कंपनी है, न्यू लिस्ट हुआ है। प्रमोटर्स स्टेक भी चलते हैं, प्रमोटर्स का स्टेक 53% है कंपनी में। FIDI यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का इतना है, इंश्योरेंस कंपनी की इतना है, DIs का कितना परसेंट स्टेक है, तो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का फाइनेंशियल। कंपनी के हेल्थ को बताता है कि कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर बात करें एनुअली हमने यहाँ पर लगाया है तो 17, 18, 19, 20, तो देखते हैं कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 4 करोड़ से देखते हैं 73 करोड़ पहुंच चुका है प्रॉफिट कंपनी का। तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जंप किया है जो कि काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट पर। कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी ज़बरदस्त है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 करोड़ का, काफ़ी ज़बरदस्त है। रिजर्व सरप्लस 220 करोड़ का है रिजर्व सरप्लस, और उससे पहले देखते हैं रिजर्व सरप्लस कंपनी का निगेटिव में था। उसके बाद माइनटी इंटरेस्ट, कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। लॉन्ग टर्म कंपनी का 18 करोड़ है जो कि लगातार डिक्रीज हुआ है, मतलब जो कि पॉजिटिव साइन है। कंपनी का डेट कम हुआ है, जैसे जैसे कंपनी का डेट कम होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव बातें होती है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें कंपनी के बारे में देखते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट 43 करोड़ का है कंपनी के पास, और सारी चीज़ें जो है कंपनी का काफ़ी फेवरेबल है, अच्छी कंपनी है। अगर इसी तरह कंपनी मतलब अपना सेल्स अपना प्रॉफिट इंक्रीज करती रही तो एक दिन काफ़ी अच्छा मतलब इसका प्राइस आपको देखने मिलेगा। तो जैसे गिरावट आता है नीचे के प्राइस में मिलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप नीचे के प्राइस में इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नीचे के प्राइस पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जिन्होंने भी कमेंट किया था, जिन्होंने भी इस शेयर के बारे में पूछा था क्या लेवल्स और टारगेट होनी चाहिए, तो लेवल्स और टारगेट आपने देख ही लिया कंपनी का चार्ट पे कि जैसे ये ट्रेंड लाइन कंपनी ब्रेक करेगा तो आपको इसमें बाय करना है, या नीचे अगर करेक्शन आता है तो नीचे करेक्शन का वेट करना है और थोड़ा थोड़ा SIP मोड में आपको स्टॉक खरीदते रहना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।